राज्यसभा में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो गया है। सांसदों की विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में विदाई भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ बिताए पलों को याद किया और एक घटना का जिक्र करते हुए वे भावुक भी हो गए। पुराने दिनों की एक घटना को याद करते हुए प्रधानमंत्री के आंसू नहीं रुक रहे थे। नरेंद्र मोदी ने एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार आतंकियों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग मारे गए थे। यह घटना उस समय की है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि इस घटना पर सबसे पहले गुलाम नबी ने ही उन्हें इस घटना को लेकर फोन किया था। उन्होंने बताया कि आजाद साहब को गुजरात के लोगों की वैसी चिंता थी जैसे अपने परिवार के लोगों के बारे में होती है। पीएम मोदी ने कहा कि फोन पर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए, डेड बॉडी को लाने के लिए देर रात हो गई थी। वही अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान हूं, मुसलमानों को इस देश पर गर्व होना चाहिए लेकिन बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिनको कभी पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व महसूस होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं 41 सालों से संसद और राज्य विधानसभा में हूं। मुझे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें ज्योति बसु सहित कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने का मौका दिया। आजाद ने सदन से आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और राज्य के लोगों के लाभ के लिए जल्द ही राज्य की बहाली की जानी चाहिए। बताते चले कि इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ में पीएम मोदी भावुक हो गए। गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब वह कोरोना महामारी पर सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने पर विचार कर रहे थे तब आजाद ने फोन कर उन्हें सभी दल के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद के साथ ही भाजपा के शमशेर सिंह मन्हास और पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज और नजीर अहमद लवाए का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल 15 फरवरी को और मन्हास तथा मीर फयाज का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यूएशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन 4 माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.